तो अभी फ़िलहाल में हम माँ गायत्री देवी कोल्ड स्टोरेज जहानगंज फरखाबाद के अंदर मतलब प्रवेश कर ही रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसके बरामदे में इधर एक गाड़ी लोडिंग हो रहा है, और उसके बावजूद भी उधर आप एक गाड़ी देख पा रहे होंगे, वहाँ पे एक गाड़ी बिल्कुल वहाँ पे लोड हो रही है। तो अभी हम लोग चल के देख लेते हैं कौन कौन सा आलू लोड हो रहा है और क्या भाव में यहाँ पे आलू की बिक्री वगैरह हुई है। और आज दिनांक 9 मई है। तो अभी फ़िलहाल में हम कोल्ड के अंदर मतलब प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुछ आलू जो है जो कि सूखा लादा जा रहा है, मतलब यहाँ पे पहले इसकी कटाई हुई होगी और अब सूखने के बाद में सूखा लादा मतलब सूखा लादा जा रहा है। ये देखो जाली में, ये पहले जाली में था या बोरों में? जब बोरों में था उसके बाद जाली में करके इसकी लोडिंग की जा रही है। और ये देख पा रहे हो आप लोग पूरे बरामदे में बाकायदा अच्छी तरीके से लोडिंग प्रारंभ है, मतलब निकासी अच्छी तरीके से प्रारंभ है भाई साहब। और आजकल दाम तो बढ़िया चल ही रहा है, जिस किसान भाई को माल अपना थोड़ा बहुत निकालना है वो आराम से निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बढ़िया दाम चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। और अभी फ़िलहाल में यहाँ के जो व्यापारी भाई उनसे थोड़ा बातचीत कराएँ आपकी, और इस कोल्ड के जो मैनेजर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ये देखो ये गाड़ी लोड हुई है यहाँ के लिए, मतलब कहीं के लिए भी हुई हो अभी वो भी क्लियर पता चल जाएगा। ये गाड़ी लोड हो गई है यहाँ, और एक वो लग रही है लोड होने के लिए। और ये मतलब जहानगंज उत्तर प्रदेश के ज़िला फरखाबाद के जहानगंज का कोल्ड स्टोर है माँ गायत्री कोल्ड स्टोर, और इसमें कौन सा आलू क्या भाव में बिका है। जहानगंज क्षेत्र में माँ गायत्री कोल्ड स्टोर में ये आलू आज से लगभग 2-3 दिन पहले बिक्री हुआ था, और ये आलू आपका बचत में 500 से लेके 510-520 रुपए बचत बिचा हुआ था, उसमें आपको कोल्ड भाड़ा जो है 130 रुपए प्लस करना होगा। और बाकी हम देख पा रहे हैं यहाँ वेपर, यहाँ पे मतलब धड़ल्ले से भी निकासी प्रारंभ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो एक गाड़ी तो इधर ही लोड हो रही मतलब हो चुकी है पूरी की पूरी फुल गाड़ी। ये गाड़ी आप लोग देख पा रहे हो, ये गाड़ी बिल्कुल फुल लोड हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट गाड़ी भी आपको दिखा रहे हैं लोड हो रही है, लोग लोड कर रहे हैं। देखो यहाँ से लोडिंग मेरा बिल्कुल पूर्ण रूप से इधर चालू है, और जहानगंज क्षेत्र का ये और सारी चीज़ें हम जो है यहाँ के जो व्यापारी भाई और मैनेजर साहब हैं उनसे जानेंगे स्थिति क्या है। हमारे साथ माँ गायत्री कोल्ड स्टोर के मैनेजर सर जी हैं। सर क्या नाम आपका? सर सर जी अभी आपके कोल्ड स्टोर से लगभग कितने बोरियां निकल चुकी हैं? दो ढाई हज़ार बोरियां निकल चुकी हैं इस कोल्ड स्टोर से। कब से निकासी प्रारंभ है सर? अभी चार पाँच तारीख से शुरुआत हुआ था, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे तो धड़ल्ले से निकासी हो रही है, मतलब बाकायदा कंटिन्यू कहते हैं दोबारा में जब शुरुआत हुआ तो बंद नहीं हुआ लग रहा है। अच्छा इधर चिप्सोना वगैरह भी होता है क्या? नहीं, चिप्सोना कम है। अच्छा क्या क्या रेट चल रहा है साहब अभी? मतलब भाड़ा आड़ा लगा के सब आज का आलू का भाव अगर माना जाए एक पैकेट का 650 से लेकर 750 रुपये सफ़ेद आलू का। और लाल आलू है अपने यहाँ? लाल है लेकिन अभी कोई बिका नहीं है, जितना भी बिका हुआ है सफ़ेद आलू। ये गाड़ियाँ लोड हो रही हैं टोटल, ये कहाँ के लिए लोड हो रही साहब? ये तो व्यापारी ने लिए बाहर मंडियों में आएंगे। बाहर मंडियों में ली हैं, कहीं बाहर मतलब भेजा गया? व्यापारियों ने खरीदी हैं। अच्छा व्यापारी भाई ने खरीदी हैं। तो काश्तकार लोग अपना आलू बेचने के लिए आ रहे हैं या कि नहीं आ रहे अभी? जैसा कि लोग कह रहे अभी आ नहीं रहे हैं। आलू अपने यहाँ पिछले साल ज़्यादा नहीं आ रहे लेकिन आ रहे हैं मतलब मैक्सिमम बिल्कुल कम बहुत तरीका, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अब की बार कोल्ड जल्दी खुल गया क्या? हाँ जल्दी नहीं ठीक है, टाइम जल्दी खुलना, कितने टाइम खुलता चाहिए था ना बात बाकी। भरा कितना था ये? ये पूरा भरा, फुल भरा हुआ था। तो क्या लग रहा है कि अब निकासी शुरू हो गई है और निकासी कंटिन्यू हो रही है? ऐसा ही चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही चलना चाहिए, लेकिन बीच में बंद नहीं होना चाहिए, बात ये है। नहीं होगा बंद नहीं होगा। अच्छा अच्छा रेट बढ़िया चल रहा है ना,
तो अब किसानों को मतलब 2-3 रुपए बेचा था तब क्या था, और अब तो रेट अच्छे मिल रहे हैं। रेट में फायदा है, अभी आलू भी उतना अच्छा, आप भी देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो आलू बिक रहा है तो छिला हुआ कहीं ऐसा कोई बढ़िया आलू भी बेचे कहाँ रहा, काश्तकार जो बढ़िया आलू नहीं कोई बेच रहा है, जो मोटे मोटे काश्तकार हैं वो भी निकले नहीं हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि वो मक्का मूँगफली में लग जाने के बाद शायद है कि अभी आएंगे भी नहीं। नहीं नहीं अभी आएंगे, लेकिन वो ऐसा है कि रेट के वो इंतजार में, जैसे जो बाहर वाला जो खेतों में जो फील्ड में आलू है वो थोड़ा महंगा बिक रहा है, और यहाँ पे कोल्ड में सस्ता इसलिए हो रहा है कि वो कोल्ड भाड़ा देना पड़ रहा है, तो कुछ ये सोच रहे कि हमें कोल्ड भाड़ा ना देना पड़े और उसी रेट में बिक जाए। ये बात है, फील्ड में जो आलू है। अच्छा, फील्ड में भी कितना और आलू होगा साहब? फील्ड में बिल्कुल नील है, नील है। कोई मतलब चार छः दिन चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलने, क्योंकि व्यापारी लोग कोल्ड की तरफ भागने लगे हैं और लंबी लोडिंग के लिए आलू चल भी नहीं पाएगा। अब तो ठंडा आलू चाहिए होगा। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भैया इस साल मतलब कोल्ड फुल भरे हैं और इस साल हो सकता है घाटा हो जाए आलू में, ऐसा ही चलता रहा कोई घाटा नहीं, कोई घाटा नहीं होगा ना लग रहा अपने। और जहानगंज में और कोल्डों की अपेक्षा से अपने कोल्ड की मतलब ज़्यादा निकासी या कम है? और ठीक है, और कोल्ड खुल गए हैं जो नेक्स्ट कोल्ड और अदरवाइज हैं, सभी खुल गए हैं, सब में यही रेट बिक रहा है। मतलब पूरे जहानगंज एरिया का रेट जो है 650 से लेकर 700 रुपये सफ़ेद आलू का, लाल है ही नहीं, मतलब कम इधर होता है। तो लाल अच्छा, लाल बिक नहीं रहा है? नहीं, लाल अभी कोई डिमांड नहीं, बेचने वाला भी नहीं। अच्छा, अभी बेचने वाला भी नहीं और डिमांड भी नहीं है। चलिए, ये आलू क्या रेट में बिका साहब? ये आलू ये बिका हुआ है, छिला हुआ आलू है, ये 650 रुपये। साहब एक मेरा एक और सवाल है, ये मतलब 650 रुपये सब दाम? जी। ये आलू देख लो भाई, ये मतलब एक तरीका का मीडियम आलू है, छिला हुआ आलू है, ये देखो पहले रखा गया वो वाला तो नहीं, हाँ जी, पहले जो फर्स्ट टाइम डाल दिया गया वो आलू है ये। तो ये 650 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिका हुआ है। साहब सभी लोग ये कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोर में जो आलू बाद में भी मतलब भंडार होता रहा ना लास्ट में बिल्कुल, तो वो आलू अंदर बता डैमेज होने लगे। अभी ऐसे कोई कमेंट आए आपके पास? मतलब लोग कह रहे कमरा कमरा बैठे जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, एक दाना भी नहीं ना। अच्छा ये है, क्योंकि कुल कह रहे बाद में हुआ भाई, उनका धूप लगा हुआ आलू है तो बैठ रहा है। यहाँ 37-97 होता, ये कौन सा है? ये जनरल मतलब हाइब्रिड, हम जो इसको सीधा बात उसका आलू है, और ये 650 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिका हुआ है। और ये किसान कौन है भैया? चले गए किसान भाई, कोई नहीं, ये मैनेजर साहब ने बताया कि इनके कोल्ड स्टोर में आज मतलब ये आलू जो है 650 रुपये प्रति कट्टा के हिसाब से बिका हुआ है। अदरवाइज जो आलू ये वाले बिके हुए थे 2-3 दिन पहले वो क्या रेट में बिके थे? ये निबल क्वालिटी का है, अच्छा होता तो आज मतलब 700 प्लस हो जाता। ये बात 680 होता। ठीक ठीक।